नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। अभी की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव को लेकर है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी हां, अनुमति के बिना मगध मेडिकल के कोविड वार्ड में घुसने का मामला है। आपको बता दें कि बिना अनुमति के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में प्रवेश करने को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गया के डीएम के आदेश पर यह मामला दर्ज कराया गया है। डीएम की अध्यक्षता में कोविड 19 से संबंधित आपदा प्रबंध समूह की बैठक में यह मामला उठा। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इसके बाद पप्पू यादव ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, गया में हुए केस पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बड़ा ऐलान। बोले कि मुझे मौत से डर नहीं तो केस से क्यों डरे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम पर केस और फांसी चढ़ाने से यदि उनका दवाई, उनका ऑक्सीजन और उनकी गंदगी यदि उनको साफ हो जाए, मरने वालों की संख्या खत्म हो जाए तो फांसी चढ़ा दो। हम तो सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी को बता रहे हैं। पूरा सुपरिटेंडेंट पर केस करेंगे हम पूरे हर जिले में। 302 का मुकदमा लगना चाहिए इन सुपरिटेंडेंट सब पर। मारने में, मरवाने में सुपरिटेंडेंट और ये विभाग जो उनकी भूमिका है, वो अपनी नाकामी और भी को छुपने के लिए। तो हम डेली कोविड पेशेंट से मिलते हैं, उसके लिए जीते हैं, उनके परिवार के लिए जीते हैं। जब हम को मौत से नहीं डरते तो इनके केस से या खिदर भोकी से कौन डरने वाला। इसलिए ये जो चोरी छिनारी में जो पदाधिकारी लगा रहता है, पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी या और लोग जितने नेता पदाधिकारी मजे ले रहे हैं उनको देखिए ना। हमारी जिम्मेदारी तो जो फर्ज और दायित्व है और जो मेरा धर्म है, परिवार का, रिश्ता का, बेटा का, सेवक का और एक बिहारी होने का, वो मैं फर्ज निभाऊंगा। चाहे 1000 बार मरना क्यों नहीं पड़े, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एक एक इंसान को बचाएंगे।